चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की उज्जवल में आ पहुंचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडलू में रख दिया। जब वह उनके कमंडलू में ना समा सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी ना भी वह मछली ना समा सकी तो तालाब में फेंक दिया, और जब तालाब में भी ना समा सकी तो समुद्र में डाल दिया। वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य के शंखासुर को मारा। तत्पश्चात उस शंखा को हाथ में लेकर बद्रीकारण्य में पहुँचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकाल कर शीघ्र मेरे पास ले आवें। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु से नारद जी ने कहा, उसके पश्चात आपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों से जो जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वह वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। उस सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए, परंतु तुरंत ही उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष नाग गुहार्क गण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवता गण ने कहा, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोग को प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोग को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है, इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी पर सर्वप्रधान पुण्य का बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होवे। ब्रह्मात्यधिक महान पापों का ब्रह्महत्या आदि महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोग ने जो कुछ कहा वही हमारा ही दयन है। जैसे आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसे ही ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश से उत्पन्न राजा भागीरथ गंगा जी को यहाँ पर लावेंगे और गंगा जी का सूर्य पुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादित्य देवताओं ने के साथ मैं भी यहीं पर रहूंगा, और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ दान व्रत हवन जप और पूजा आदि कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले होंगे और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्म हत्या आदि महापापों भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे संकीर्त तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेगा उसके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणी को महापुण्य देने वाला होगा। यह जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य माघ में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने के केवल मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य को तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, माघ महीने में मकर संक्रांति होने पर स्नान करने वाले प्राणियों की मैं सालोक्य अपना लोक समीप्य अपने समक्ष
स्वरूप या अपना स्वरूप इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर्य, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, हुआ सर्वदा बद्रिका नारायण में निवास करता हूँ। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे उस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे, वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इसी तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादि देवगणों भी अपने वन अंशों को वहीं छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेगा अथवा सुनवेंगे वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकारायण जाने के समान फल को प्राप्त होंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। चौथा अध्याय संपन्न हुआ।